Realme 8 Pro 5G। अब गैज़ ये स्मार्टफोन इंडिया में बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि गैज़ Geekbench पर यह स्मार्टफोन लिस्ट हो चुका है। और अब गैज़ Realme 8 5G के बाद अब बारी है Realme 8 Pro 5G की। तो Realme 8 5G गैज कुछ ही दिन पहले Realme ने लॉन्च किया है, लेकिन वो स्मार्टफोन गैज इतने ज़्यादा दमदार हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि 5G कनेक्टिविटी के अलावा उसमें ज़्यादा कुछ खास हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन गैज अब Realme 8 Pro 5G आने वाला है और उसके कुछ स्पेसिफिकेशन गैज लीक हुए हैं, और गैज ये स्पेसिफिकेशन हमें Realme 8 से काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो उसी के बारे में हम वीडियो में दोस्तों आगे बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक्साइटेड है Realme 8 Pro 5G के लिए, या फिर आप वेट कर रहे हैं Realme 8 Pro 5G का, तो इस वीडियो को गैज एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर जो मैं स्पेसिफिकेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो गैज 90% यहाँ पर कन्फर्म है, और यही स्पेसिफिकेशन के साथ आपको Realme 8 Pro 5G देखना को मिलने वाला है इंडिया में। तो वीडियो में गाइस एंड तक जरूर बने रहना, साथ ही अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे भी ऐसे और वीडियोस आपके पास आ सके। तो चले गाइस ज्यादा टाइम नहीं लेते और सीधा यहां पर वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस मोबाइल के डिजाइन से। तो यहाँ पर डिज़ाइन गैज आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर इस बार भी गैज बैक साइड में हमें डेयर टू लिव की बड़ी सी ब्रांडिंग देखने को मिलती है। तो ये पता नहीं दोस्तों Realme क्यों कर रहा है, क्योंकि किसी को भी दोस्तों ये डेयर टू लिव की बड़ी ब्रांडिंग पसंद नहीं आती है, फिर भी यहाँ पर Realme बार बार अपने आने वाले सभी स्मार्टफोन में डेयर टू लिव की ब्रांडिंग दे रहा है। तो यहाँ पर इस बार भी डेयर टू लिव की ब्रांडिंग है। इसके अलावा 189 ग्राम्स का वेट है और 8.8 mm के थिकनेस के साथ यहाँ पर यह स्मार्टफोन आने वाला है। तो डेयर टू लिव की बड़ी ब्रांडिंग को हटा दिया जाए तो बाकी दोस्तों डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। वैसे यहाँ पर सिमिलर देखने को मिलते हैं, जो Realme के सभी स्मार्टफोन की डिज़ाइन होती है वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल डिज़ाइन अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD वाला डिस्प्ले। जी हाँ गाइज, इस बार यहाँ पर Realme ने सुपर एमोलेड या फिर एमोलेड डिस्प्ले का यूज़ नहीं करा है। इस बार यहाँ पर आपको मिलता है LCD पैनल, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको मिलता है 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट, जो कि 4G वाले वेरियंट में आपको नॉर्मल 60Hz मिलता था, लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है 120Hz का। तो ये एक यहाँ पर अच्छी बात बन जाती है। इसके अलावा 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट है। इसके अलावा 600 nits का पीक ब्राइटनेस भी है। तो ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, लेकिन कॉस्ट कटिंग के लिए यहाँ पर आपको LCD पैनल देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर एक बात जो इस फ़ोन की कंफर्म है वो ये है कि गैज ये स्मार्टफोन आने वाला है Qualcomm Snapdragon 750G के साथ, क्योंकि ये दोस्तों काफ़ी दिन पहले ही Geekbench पर लिस्ट हुआ था Qualcomm Snapdragon 750G के साथ। तो ये प्रोसेसर दोस्तों काफ़ी पावरफुल है और इस चिपसेट के साथ आपको Realme 8 Pro 5G देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा गैज यहाँ पर कैमराज की बात करें तो कैमराज में भी हमें यहाँ पर बहुत ही बड़ा डाउनग्रेड देखने को मिलता है, क्योंकि इस बार यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, जबकि जो Realme 8 Pro 4G था उसमें आपको 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता था। तो यहाँ से एक तो तीन कैमरे ही आपको मिलते हैं, ऊपर से यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। वैसे तो गाइस नंबर जो है वो मायने नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको ये डाउनग्रेड देखने को मिलता है। लेकिन एक्चुअल कैमरा परफॉर्मेंस दोस्तों जब ये स्मार्टफोन आएगा तभी हमें पता चलेगा कि क्या 4G वाला जो Realme 8 Pro था उसका कैमरा बेटर है या फिर 5G वाले वेरिएंट का। इसके अलावा यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा गाइस फ्रंट साइड में देखने को मिलता है और 5000 mAh की बैटरी है और साथ में आपको 30W का फास्ट चार्जिंग मिलता है। तो बैटरी के मामले में यहाँ पर ठीक ठाक है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट कटिंग के लिए यहाँ पर एक तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले हटा दी गई है और यहाँ पर आपको कैमरा में भी डाउनग्रेड देखने को मिलता है। इसके अलावा गैस कुछ अदर फीचर्स भी यहाँ पर लीक हुए हैं, जैसे कि आपको स्मार्टफोन में गैस डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट का ऑप्शन मिलने वाला है, 3.5 mm का हेडफोन जैक होने वाला है, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। इसके अलावा यहाँ पर ड्यूल 5G सिम का भी सपोर्ट आपको मिलने वाला है। जी हाँ गैस, 5G फ़ोन है और ऊपर से आपको ड्यूल 5G सिम का सपोर्ट इस स्मार्टफोन में मिलने वाला है। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन गाइज Realme 8 Pro 5G के एक वेबसाइट पर लीक हुए हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर प्राइस की अगर बात करें तो Realme 8 5G और Realme 8 4G इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस दोस्तों हमें एक ही देखने को मिली थी, 15,000 स्टार्टिंग प्राइस, क्योंकि गाइज जो दोनों ही स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी अलग है। एक में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जबकि दूसरे में आपको LCD मिलती है, वहाँ पर भी कैमरा में दोस्तों डाउनग्रेड था। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है गाइज, Realme 8 Pro 4G और Realme 8 Pro 5G की प्राइस हमें काफ़ी सिमिलर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भी दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले हटा दी गई है, यहाँ पर भी कैमरा में डाउनग्रेड देखने को मिलता है। तो जो Realme 8 Pro 4G की प्राइस दोस्तों 18,000 से स्टार्ट होती है,
इसकी भी प्राइस दोस्तों 18,000 से ही स्टार्ट होने वाली है। तो Realme 8 Pro 5G की प्राइस भी गाइज 6GB 128GB वाले वेरिएंट के लिए 18,000 से ही स्टार्टिंग प्राइस हमें देखने को मिल सकती है। अब वो तो गाइज हमें आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल ही जाएगा, क्योंकि ये स्मार्टफोन गाइज इंडिया में अब बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, क्योंकि गीक बेंच पर आ चुका है। और जैसे ही ये दोस्तों BIS पर सर्टिफाइड होगा इंडिया की BIS वेबसाइट पर, उसके तुरंत बाद ये स्मार्टफोन गाइज इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो यही है गाइज Realme 8 Pro 5G के स्पेसिफिकेशन। इसके अलावा अगर और कोई डिटेल यहाँ पर इसकी लीक होती है तो उसके बारे में भी मैं वीडियो गाइज ज़रूर से अपलोड कर दूंगा। तो तब तक के लिए आप चैनल को गाइज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को अगर यहाँ तक आपने देखा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे अगले वीडियो के लिए गाइज बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो एक लाइक दोस्तों वीडियो को ज़रूर करना। खैर, मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।